नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। साल 2019 वैसे ही बहुत बुरा गया है, उसी का असर इस साल के शुरुआती महीनों में ऑलरेडी देखने को मिल ही रहा था कि अब ये कोरोना ने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और हर देश के ऑटोमोबाइल मार्केट को क्रैश कर दिया है, उसकी पूरे तरीके से कमर तोड़ दी है। उसी के चलते जहां तक भारत की बात है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्च के महीने में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार्स के बारे में। कई सारी रिकॉर्ड ब्रेक बेस्ट सेलिंग गाड़ियाँ जो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हुआ करती थी उनका आता पता नहीं है। वहीं कुछ इस लिस्ट में दोबारा से शामिल हुई है, कुछ इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं मार्च के महीने में बिकने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार्स के बारे में आज की इस वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है टाटा की अल्ट्रोज। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 1147 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं फरवरी के महीने में 2806 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी 13वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 3 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी 10वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 529,000 रुपये से शुरू होकर 934,000 रुपये तक मिल जाएगी। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है टोयोटा की ग्लांजा। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 1533 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं फरवरी के महीने में 2710 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी 14वें पायदान पर थी। वहीं इस महीने 5 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी 9वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,05,000 रुपये से शुरू होकर 9 लाख रुपए तक मिल जाती हैं। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की इग्निस। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 1901 यूनिट बिकी है। वहीं फरवरी के महीने में 2912 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी 12वें पायदान पर थी। वहीं इस महीने 4 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी 8वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,90,000 रुपये से शुरू होकर 7,28,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है ह्युंडई की सेंट्रो। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 2169 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में 4200 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी 9वें पायदान पर थी। इस महीने 2 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी 7वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,58,000 रुपये से शुरू होकर 6,21,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आने वाली गाड़ी है ह्युंडई की i20। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 3,455 यूनिट बिकी हैं। वहीं फरवरी के महीने में 8,766 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी 7वें पायदान पर थी। इस महीने 1 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी 6ठे पायदान पर आ गई है। जो भी कंज्यूमर्स या व्यूअर्स i20 को ख़रीदना चाहते हैं उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द ही इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से उसे आप देखिएगा ज़रूर।
और आपसे गुजारिश है कि नई वाली i20 लॉन्च होने का इंतजार जरूर कीजिएगा। इट्स गोइंग टू बी वर्थ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,60,000 रुपए से शुरू होकर 9,41,000 रुपए तक की मिल जाती है। ये जो प्राइस मैंने बताई है ये एग्जिस्टिंग पुराने वाले i20 की है। नई गाड़ी लॉन्च होने के बाद में नई प्राइसिंग आएगी। इस लिस्ट में पूरे भारत में पांचवें पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की सेलेरियो। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 4,010 यूनिट बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में 6,104 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी आठवें पायदान पर थी। वहीं इस महीने 3 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी पांचवें पायदान पर आ गई है। शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,47,000 रुपये से शुरू होकर 5,64,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आने वाली गाड़ी है ह्यूंडई की ग्रैंड आई10 नियोस। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 4,293 यूनिट बिकी हैं, वहीं फरवरी के महीने में 10,407 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी पांचवें पायदान पर थी। वहीं इस महीने एक पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी चौथे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,05,000 रुपये से शुरू होकर 8,05,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की स्विफ्ट। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 8,575 यूनिट बिकी है, वहीं पिछले महीने यानी कि फरवरी के महीने में 18,696 यूनिट बेचकर ये गाड़ी नंबर 1 के पायदान पर थी। इस महीने 2 पोजीशन नीचे खिसक कर ये गाड़ी तीसरे पायदान पर आ गई है। स्विफ्ट का भी बहुत जल्दी फेसलिफ्ट आने वाला है, तो जो भी कंज्यूमर्स या व्यूअर्स स्विफ्ट को ख़रीदना चाहते हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इसके फेसलिफ्ट का लॉन्च होने का इंतज़ार कीजिएगा। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,19,000 रुपये से शुरू होकर 8,02,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की वैगनआर। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 9,151 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में 18,235 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी दूसरे पायदान पर ही थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,51,000 रुपये से शुरू होकर 6,00,000 रुपये तक की मिल जाती है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर 1 के पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की बलेनो। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 11,406 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में 16,585 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी चौथे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 3 पोजीशन ऊपर उठकर नंबर 1 के पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,71,000 रुपये से शुरू होकर 9,03,000 रुपये तक मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियाँ जो मार्च के महीने में पूरे भारत में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।